क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ हलाहल शिव जी के अलावा उनकी एक पुत्री ने भी सेवन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार महादेव की मानस पुत्री देवी मनसा एक दिन महादेव के निवास स्थान कैलाश को अपने आप सूखा पड़ते और नष्ट होते देखा। तब उन्हें माता पार्वती ने समझाया कि महादेव ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ तीव्र विषपान करके ब्रह्मांड को नाश होने से तो बचा लिया था, लेकिन तब से ही कुछ समय अंतर हलाहल महादेव को बहुत पीड़ित करता है, तब पूरा कैलाश सूखा पड़ जाता है। यह सुनकर देवी मनसा को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता के कष्ट को दूर करने का निश्चय किया। वह गहरे ध्यान में डूब गई और महादेव से हलाहल विष का एक अंश खुद में ग्रहण कर लिया, किंतु दुर्भाग्य से इस विष की तीव्रता को देवी मनसा सहन नहीं कर सकी और उनकी प्राण संकट में आ गई। लेकिन उनके बलिदान को देखकर महादेव को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कभी भी देवी मनसा को कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि देवी मनसा को उनके महान बलिदान के लिए विषहरी के रूप में पूजा किया जाएगा।